अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बैठ। वालेकुम अस्सलाम। अब क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ, खाला भी का ना दिमाग खराब हो गया। रिश्ता लेकर आई थी निम्मी का, वो भी किससे? कासिम से। कासिम? वो तो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। अरे मैंने कौन सी हाँ कर दी? अरे दफा करो। अच्छा सुनो, मैं ना तुमसे ये पूछना चाह रही थी कि वो बेबी का कॉट लेना है मुझे, तो मैं बना बनाया ले लूं या कारपेंटर से तुम अपनी मर्जी से बनवाओगे? नहीं अभी, हमारा तो अलग का इरादा है। क्या सी बातें कर रही है भाई? इतने छोटे से बच्चे को अकेले सुलाओगे? ना भाई ना, ऐसा करो एक कॉट ले लो और अपने कमरे में रख लो, 4-6 महीने बाद सोच लेना कि अलग करना है कि नहीं। अम्मी, आप समझ नहीं रही हैं। हम साथ नहीं होंगे। भाई ठीक है, अगर तुम लोगों को अपनी नींद इतनी ही प्यारी है ना, तो मैं अपने पोते को अपने साथ खुद सुला लूंगी। मैं अपने छोटे से पोते को अलग नहीं सोने दूंगी। अम्मी, हम अलग घर की बात कर रहे हैं। क्या घर अलग? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप ही रखिएगा रात को। लेकिन जोया, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मामी ने कह दिया है ना, बेबी दादी के पास ही सोएगा रात को। मेरी प्यारी बेटी निम्मी, निम्मी बेटा, तैयार होने से पहले ना भाभी के लिए जूस बनाकर ले आओ। अच्छा तब भी ठीक है ना तुम्हारी? चलिए चलो, तुम भी तैयार हो जाओ। ब्लू बैग। अरे यार टेबल के नीचे देखो, तुम्हें पता तो है जो बुक्स कॉलेज लेकर जाती थी वो वाली बुक्स नहीं है। यहाँ तो नहीं है, कहाँ रखा? अच्छा, एक काम करो, अलमारी में चेक करो प्लीज। एक सेकंड, शायद मुझे मिल गया ब्लू बैग। बैग मिल गया? बस ठीक है, इसके अंदर जो बुक्स है ना वो बुक्स मुझे भिजवा दो प्लीज। इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें तो कोई बुक्स नहीं है। नहीं है तो फिर कहाँ गई? कहीं आगे पीछे देखो ना। यहाँ तो कहीं बुक्स नहीं है। सितारा, मुझे तो नहीं मिल रही, तुम सना से बात करो। हेलो। नहीं सितारा, यहाँ कोई बुक्स नहीं है। एक दफा सही से देख लो, वहीं पर होंगी। अच्छा रुको, मैं तुम्हें पिक्चर सेंड करती हूँ। ठीक है, ओके। आपको बड़ी बीबी खाने पर बुला रही है। भूख नहीं है मुझे भी। Thank you.
और आपको भी ऐसा लगता है कि अगर मुझ पे केस बना तो मैं भाग जाऊंगा यहाँ से? कुछ नहीं होगा, I'll take care of it. मैं हूं ना बेटा। अब समझ में आई कि मैं हर वक्त तुम पे आंख क्यों रखता था? Are you serious, Dad? आप इस वक्त मुझे ताना दे रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, वैसे बता रहा हूँ कि जिनकी परवाह होती है उनको अकेले नहीं छोड़ा जाता। औलाद हो या बीवी, सबकी हिफाजत करना पड़ती है, और जख्म खाए हुए लोगों से तो वैसे ही दूर रहना चाहिए। Listen, Dad, just to make everything clear, मैं सिर्फ मॉम और सितारा की जिद पर वहां पर गया था, वरना साहिबा पे तो मुझे पहले से भरोसा नहीं है। अरे जिद जब मानी ली थी एक दफा तो फिर साथ साथ रहते। मैं साथ ही था डैड, साथ ही था, बस एक लम्हे के लिए छोड़ के गया था और बस ये सब हो गया। ताहिरा ये खाना लग गया। मैं खाना स्टडी में खाऊंगा, आप वहां पे भिजवा दीजिएगा। क्या अब हम साथ खाना भी नहीं खा सकते? तुम्हारे यहाँ होने से मुझे सफोकेशन हो रही है। हमारे दरमियान हमेशा से डिफरेंसेस रहे ताहिर, लेकिन आपको इतने गुस्से में तो मैंने कभी नहीं देखा। डिफरेंसेस होना अपनी जगह पे और इनह्यूमन होना अपनी जगह पे। सबा के साथ तुम्हारी कल तक केयर देखकर मैं ये सोचता था कि तुम ठीक है, करियर ओरिएंटेड औरत तो नहीं हो, लेकिन फैमिली ओरिएंटेड जरूर हो और एक अच्छी इंसान है। तो क्या फैमिली ओरिएंटेड और या अच्छी इंसान होना मेरा जुर्म है? अगर तुम अच्छी औरत होती तो कल जो सितारा के साथ हुआ वो ना होता। तो आपका मतलब है कि सितारा के साथ जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से हुआ है? जब आपकी बहू रोती हुई हैरेस होकर घर आई तो आप अपने बेटे से पूछ रही थी कि उसका कसूर क्या है? वो उसकी वजह से किसी को कत्ल करने जा रहा था, मैं डर गई थी ताहिर। अगर सितारा की जगह सबा होती तो क्या आप इसी तरह डर के यही कुछ करती? आप सितारा और सबा को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्यों? सितारा को आपका बेटा उठाकर लाया था ना, इसलिए आप उसको कुछ भी कह सकती हैं। और सबा ताहिर सिकंदर की बेटी है, इसलिए आप उसकी चमचागिरी करेंगी है? एक गैर लड़की के लिए आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं ताहिर। कोई मजबूर लड़की भी अगर मेरे घर में पनाह में होती तो मैं उसको प्रोटेक्ट करता। आपने अपने बेटे की मन को आग बकरी बनाकर भेड़ियों के पास भेज दिया।